नमस्कार दोस्तों, ईआर इंफ्रा न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली हिमालयन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसी के अलावा हिमाचल प्रदेश में कई और हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। इन सभी हाईवे प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 222 किलोमीटर है और इनको बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6155 करोड़ रुपीस का खर्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश में 11 नई टनल बनाए जाने का आश्वासन भी दिया, जो कि फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों पूरी जानकारी के लिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप हमें अपना सजेशन दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सब हाईवे प्रोजेक्ट्स में परवानो सोलन हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसकी लेंथ 39 किलोमीटर की है, जो पूरा बन के रेडी हो चुका है, और यह हिमालयन एक्सप्रेसवे का मेन पार्ट है। हिमालयन एक्सप्रेसवे को चंडीगढ़ शिमला एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ 120 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे पार्शियली कंट्रोल्ड एक्सेस वे हाईवे है, मतलब फ्यूचर में इस हाईवे को फुली कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे में कन्वर्ट किया जा सकेगा। अगर हम प्रेजेंट अपडेट की बात करें तो ये आधे से ज्यादा बन के तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। चलिए पूरी डिटेल्स में बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, शिमला हमारे देश के साथ साथ फॉरेनर्स का भी मेन टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, और उसके लिए चंडीगढ़ टू शिमला 2 लेन हाईवे ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, जिसको NH5 के नाम से जाना जाता है। लेकिन बढ़ते टूरिज्म और उसी के साथ बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इसको एक्सटेंड करके 4 लेन का किया जा रहा है, और इसी के लिए चंडीगढ़ से शिमला के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ईयर 2007 में हिमालयन एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली थी। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंडर आता है। इस प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे किया जा रहा है। सबसे पहले 2007 में जीरकपुर से पुरवानों के बीच 28 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी मिली थी। जीरकपुर से पुरवानों का पार्ट अप्रैल 2012 में बनकर तैयार हो गया था। इसी पार्ट के अंदर ही चंडी मंदिर के नज़दीक 14 लेन टोल प्लाजा भी बनाया गया, और ये टोल प्लाजा हमारे देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस टोल प्लाजा है। इस पार्ट के निर्माण में 412 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था, और इसका निर्माण JP ग्रुप द्वारा किया गया था। ये पार्ट चंडीगढ़ शिमला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन काफी नहीं था। इसके लिए 2015 में परवानो टू शिमला वाया सोलन 4 लेन पार्शियली कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाने का काम शुरू किया गया, और इसमें पुरवानो टू सोलन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है और ऑपरेशनल भी हो गया है। 24 जून 2021 को नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया। पुरवानो से सोलन तक की टोटल लेंथ लगभग 39 किलोमीटर की है। इसको बनाए जाने से चंडीगढ़ टू शिमला जाने में आधा घंटा और कम लगेगा। पुरवानो सोलन खंड के अंदर एक टनल, जिसकी लेंथ 936 मीटर की है, उसका निर्माण किया गया है। साथ ही में 4 माइनर ब्रिजेस, एक फ्लाईओवर और एक पार्क को डेवलप किया गया है। इस 39 किलोमीटर के पार्ट को बनाने के लिए 1303 करोड़ रुपीस का खर्च आया है। अब प्रेजेंट में सोलन टू शिमला का पार्ट डेवलपमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिसकी टोटल लेंथ 51 किलोमीटर की है, और ये पार्ट 2022 तक कम्प्लीट हो जाने का अनुमान है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद, मतलब चंडीगढ़ शिमला एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद, इस पूरे डिस्टेंस को 2 घंटे से कम के अंदर पूरा कर सकेंगे आप लोग। तो बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी शिमला की चंडीगढ़ से। तो कैसे लगी आपको वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी सजेशंस को आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।